जब वसन अली साहब ने कहा कि तबील खालिद साहब के साथ एक तकरीर का जो है वो अपने तालुम कर रहे हैं इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से, तो हम चाहते हैं कि आप जो है अगर उनकी मोहब्बत है और वो बड़े इसको कहते हैं डांटे भी हैं, तो उस वजह से भी मैं इनकार ना कर सका। मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक याद आई एक बात उनकी, वो कहते हैं कि मैं मुझे दुनिया में एक मुकाबला हो रहा था पूरी दुनिया में मुख्तसर नवीसी का, कि आपने किसी शख्सियत के हवाले से बहुत मुख्तसर अल्फाज में किसी शख्स की जो आपने तारीफ करनी है या उस हवाले से आपने लिखना है। मैं सारी रात बहुत कुछ लिखता रहा और बहुत सारे कागज मैंने काले किए मगर कुछ ना बना। मैंने अपने जो मेरा बागीचा था जिसमें मेरा बेटा जो है वो भाग रहा था और अपनी मुट्ठी को कभी खोलता था कभी मुट्ठी को बंद करता था, मैं बड़ा हैरान रहा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा अबू मैं किरणों को कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे वहां से याद आया कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि किसी शख्सियत की तबील खालिद साहब की जो शख्सियत है उन्हीं किरणों की तरह है जिन्हें मिट्टी में पानी किसी सूरत नहीं किया जा सकता। इनकी अदबी खिदमात के हवाले से अगर बात की जाए तो आप इतने अदब बरबर हैं कि चौपाल से लेकर मियाँ वाली तक जहाँ जहाँ रहे और बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरा वास्ता भी रहा जो तबील खालिद साहब के साथ जिन्होंने काम किया, उन्होंने हमेशा यही कहा कि मियाँ वाली को बड़ा एजाज हासिल है कि तबील खालिद जैसी शख्सियत वहाँ पर मौजूद है, एक मुतहरक शख्सियत जिन्होंने अदब लिटरेचर और स्पेशली जो है लोगों की बहुत सारे जो उनके सामाजिक रवैये हैं उनको बदलने की कोशिश की। तो मुझे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि उनके पास एक शख्स गया, उसने कहा कि मैं माय लॉर्ड मैं की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपनी सोच बदल ले ये सारा कहानियों और शायरों अदीबों को एक नई तरह की सोच जो दी है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये मेरे सारे दोस्त अमल पहरा भी दिखाई देते हैं। ये तबील खालिद साहब का एक बड़ा काम है शहर के लिए, क्योंकि मियाँ वाली हम बड़े जिद्दी लोग हैं, बहुत कम लोगों से बोलते हैं, बहुत कम शख्सियात ऐसे होते हैं कि जिनसे हम मिलते हैं और हम उनको उनकी सतह पे जाके ही मोहब्बत ऐसे ही जिंदा होता जिंदा रखे हुए बहुत सारे आपके साथ।